हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज के वीडियो में एलजी के इस एसी को हम टेस्ट करने वाले हैं 100% कैपेसिटी के ऊपर। तो चलिए अब इस एसी को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मीटर के ऊपर जो इनपुट सप्लाई है 230 की है और अभी लोड बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एसी फिलहाल बंद है। अब हम रिमोट से इस एसी को ऑन करेंगे और ये देखिए रिमोट अभी बंद है और इस टाइम 4 बजे हैं। ये 4 बजे का टाइम है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। तो अब ये एसी ऑन हो चुका है। 26 टेम्परेचर यहाँ पर आ रहा है क्योंकि हमने इसको 26 पे ही सेट किया हुआ है। और फिलहाल जो रूम का टेम्परेचर है वो मैं दिखाना चाहूँगा, जो रिमोट पे दिखता है वो है 33। तो रूम का टेम्परेचर रिमोट के हिसाब से 33 है और जो हमने डिज़ायर टेम्परेचर सेट किया है वो है 26। तो आपस में काफ़ी डिफरेंस है। तो देखेंगे कि कितने टाइम में ये अचीव करेगा डिज़ायर टेम्परेचर को। अब आप देख सकते हैं कि जो रीडिंग्स हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। जो एसी है 100 वाट से ऊपर अब लोड ले रहा है और ग्रेजुअली ये लोड बढ़ता चला जाएगा क्योंकि कंप्रेसर अब स्टार्ट हो चुका है। धीरे धीरे स्टार्ट होता है कंप्रेसर। आपको मैं ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल से बता चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में, क्योंकि इस एसी की हमने 40% कैपेसिटी पर, 60 पर, 80 पर और AI मोड के ऊपर टेस्टिंग कर चुके हैं हम इसकी। आपने वो वीडियो ज़रूर देख ली होंगी, नहीं देखी तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उनको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस एसी को नॉर्मल वर्किंग के ऊपर टेस्ट करने वाले हैं, जिसको 100% वर्किंग भी कहते हैं। सो बेसिकली जब हम किसी एसी को नॉर्मल कंडीशन पे या फिर 100% कैपेसिटी के ऊपर रन करते हैं तो ये एसी फुली कस्टमाइज होता है, यानी कि आप इसकी हर सेटिंग को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी एसी को चलाए हुए कुछ ही सेकंड्स हुए हैं और एसी लगभग 500 वॉट के आसपास चल रहा है और जो लोड है वो 230 के आसपास, जो इनपुट वोल्टेज है वो 230 कॉन्स्टेंट आ रही है और एम्पेयर जो है 2.28 चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, अभी जो फैन स्पीड है वो लो पे है तो हम चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। चलिए इसको बढ़ा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने हाई पे सेट कर दिया है और F5 का मतलब ये टॉप स्पीड के ऊपर अभी चल रहा है। इससे ज़्यादा स्पीड इस इंडोर के फैन की मैं नहीं बढ़ा सकता हूँ इस मोड के ऊपर। इससे ज़्यादा स्पीड अगर मुझे बढ़ानी है तो वो हाइपर मोड के ऊपर बढ़ेगी और वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि हम फैन स्पीड को 5 से ऊपर ले जाएं। ठीक, तो जैसे मैंने फैन स्पीड को बढ़ाया तो ऐसे ही टेम्परेचर को भी हम अप डाउन कर सकते हैं। आप देख सकते हो 25, 24 इस तरह से, बट हम इसको 26 पे ही चलाएंगे। और जो मोड है वो आप देख सकते हो कूल मोड पे ही है, तभी जो एसी है लगभग 700 वॉट के आसपास आ चुका है। और ये जो मोड होते हैं इनसे हम कैपेसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। ये विराट मोड है, AI मोड पे चलाना है तो यहाँ से, बट अभी हम इसको नॉर्मल मोड पे ही चलाएंगे जैसे कोई भी एसी काम करता है ऑटो कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली अब सब कुछ करेगा। और उसके बाद स्विंग अगर हमें ऑन करना है तो स्विंग का बटन है, तो जैसे हम यहाँ पर स्विंग का बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं एरो नीचे की तरफ दिखा रहा है तो स्विंग बिल्कुल डाउन हो गई है। इसी तरह से आप इसको प्रेस करते जाइए तो जो फ्लैप है उसकी पोजीशन भी साथ साथ में चेंज होती रहेगी। होप सो आपको पीछे दिख रहा होगा, जैसे जैसे यहाँ पे मार्किंग जा रही है वैसे वैसे फ्लैप भी ऊपर चला जा रहा है। तो हम अगर इसको ऑटो स्विंग पे लगाना चाहते हैं तो इस तरह का साइन आना चाहिए रिमोट के ऊपर। तो अब आप देख सकते हैं स्विंग जो है वो ऑटोमेटिकली चल रही है और जो अंदर वाली स्विंग है जो लेफ्ट टू राइट होती है उसको भी हम यहाँ पर चला सकते हैं इस बटन की मदद से। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो ये पहले लेफ़्ट साइड में जा रही है। इस तरह से आप इसको कहीं भी सेट कर सकते हो, आपको जिस तरफ भी एयर फ्लो चाहिए। तो फिलहाल मैं इसको लेफ़्ट टू राइट दोनों डायरेक्शंस में चलाना चाहता हूँ। सो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप एसी को 100% मोड पे चलाते हो तो आप अपने हिसाब से कोई भी सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। और जो एसी है वो कितना लोड लेगा वो अब एसी ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा, क्योंकि जब डिज़ायर टेम्परेचर मीट हो जाएगा उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपनी कैपेसिटी को रिड्यूस कर लेगा। ये तो होती है इन्वर्टर एसी की जो वर्किंग है, बेशक आप इसको किसी भी मोड पे चलाओ।
40%, 60%, 80%, तो इन्वर्टर एसी उसी तरह से काम करेगा। बस ये है कि जब आप 40% या 60, 80 या मतलब किसी मोड के ऊपर उसको फिक्स कर देते हो, तो फोर्सफुली हम बेसिकली उसकी पावर कंजम्पशन को लॉक कर देते हैं कि उससे ऊपर अब वो लोड ना ले। लेकिन उसमें क्या होता है कि फिर कूलिंग भी कम मिलती है हमें। जब हम एसी को फ्री छोड़ देते हैं 100% मोड पर चलने के लिए, तब एसी अपनी 100% कैपेसिटी से काम करता है और जितनी ज़रूरत है कूलिंग की डिज़ायर टेम्परेचर के ऊपर पहुंचने के लिए उतनी कूलिंग वो थ्रो करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एसी जो रूम टेम्परेचर अभी यहाँ पर 31 हो गया है, जो 33 आ रहा था, तो 26 डिज़ायर टेम्परेचर अचीव करने के लिए ये एसी 1850 वाट के ऊपर चल रहा है। एक 1500 वाट का एसी जिसके डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है कि इसकी पावर कंजम्पशन 1500 वाट है, वो एसी 1850 वाट के ऊपर चल रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो एसी है ये 100% मोड के ऊपर भी एक तरह से ऑटो कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम कर रहा है, जैसे ये बाकी मोड्स के ऊपर करता है या बाकी टनेज कैपेसिटी के ऊपर करता है। तो जब इस कमरे के अंदर 26 मेंटेन हो जाएगा तब ये अपनी पावर कंजम्पशन को भी कम कर लेगा। बट इस मोड के ऊपर एक बात यह है, क्योंकि ये कोई ऑटो मोड नहीं है, पिछली वीडियो में मैंने आपको एआई मोड एक्सप्लेन किया था, उसमें क्या होता है कि जब टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो फैन स्पीड वगैरह भी कम हो जाती है, बट इस मोड के ऊपर फैन स्पीड जो हमने सेट की है वही रहेगी, स्विंग जो हमने सेट की है वही रहेगी, यानी कि कुछ चेंज नहीं होने वाला है। जैसे हम एसी को सेट करके चला रहे हैं वो वैसे ही रहेगा। तो फिलहाल मैं इसका स्विंग जो है वो रोक रहा हूँ, मुझे स्विंग जो है वो अपसाइड में चाहिए इसका, तो मैं इसका स्विंग अप कर रहा हूँ और जो बीच वाला स्विंग है इसका वो मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। तो जब आप स्विंग ऑफ कर देते हैं तो आपको साइन नहीं दिखेगा स्विंग का, और आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल ऊपर ले लिया है स्विंग, तो इस तरह से अब वो हवा जो है सीधी आ रही है रूम के अंदर। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1850 वॉट का ये एसी लोड ले रहा है। ये एसी एलजी का 1.5 टन 4 स्टार रेटिंग का इन्वर्टर एसी है और ये एसी की कूलिंग कैपेसिटी 5000 वॉट की है। और यही एसी मैं आपको रेकमेंड करता हूँ 2023 में, अगर आपका रूम 150 स्क्वायर फिट का है, 150 स्क्वायर फिट का है, तो आप इस एसी को ही कंसीडर कीजिए, क्योंकि जो एसी इनका 5 स्टार रेटिंग का है उसकी कूलिंग कैपेसिटी काफ़ी कम है, तो आपके बड़े कमरे को वो ठंडा नहीं कर पाएगा एफिशिएंटली, या फिर देर लगाएगा उसको ठंडा करने के लिए। तो जो पैसे आप 5 स्टार एसी के चक्कर में ज़्यादा खर्च कर रहे हो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उतनी ही वो बिजली खा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एसी जो 1850 वॉट के आसपास चल रहा था वो एसी अब लगभग 1800 वॉट के आसपास आ चुका है। हमने इनपुट सप्लाई के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, 230 कॉन्स्टेंट रखी हुई है, बट लोड ज़्यादा होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो जैसे जैसे इसका लोड कम हो जाएगा ये वोल्टेज भी आप देखिएगा दोबारा से रिवाइव होती हुई नजर आएगी हमें। अम्पेयर की यहाँ पर बात करें तो 8.28 अम्पेयर ये मशीन ले रही है और यूनिट कंजम्पशन 0.2 होने ही वाला है। तो आप देख सकते हैं दोबारा से जो लोड है वो थोड़ा सा बड़ा है, 1825 के आसपास आया है। तो ये लोड अभी आप ये मान के चलो कि फुल पे चल रहा है, ये बिल्कुल पूरी ताकत इस एसी ने लगा रखी है इस रूम के अंदर डिज़ायर टेम्परेचर पर पहुंचने के लिए, या इस रूम का टेम्परेचर डिज़ायर टेम्परेचर के ऊपर लेकर जाने के लिए। जब डिज़ायर टेम्परेचर मीट हो जाएगा उसके बाद ये एसी इस रूम के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जितनी ज़रूरत होगी उतनी कूलिंग थ्रो करेगा कंटिन्यू। तो यहाँ पर आप देखिए जो सेटिंग्स हैं हमारी, हमने छेड़ी नहीं है और इस एसी को चलते हुए लगभग 10 मिनट का समय हो गया है, आपको घड़ी भी रिमोट के ऊपर दिखी जाती है। तो ये जो एसी है अभी आप देखिए आप थोड़ा सा और कम हुआ है, 1780 के आसपास लोड हुआ है। तो ग्रेजुअली लोड बढ़ता है और ग्रेजुअली ही लोड डिक्रीज होता है, यही वर्किंग होती है एक इन्वर्टर एसी की। बाकी एसी को यूज़ करते हुए मुझे लगभग 1.5 महीना शायद हो गया है, तो ये एसी बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है इसकी। तो ये एसी अगर आप लेना चाहते हो तो आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको।
और भी जो अच्छे एसी अवेलेबल हैं अमेजोन के ऊपर इस कैटेगरी के, उनके भी लिंक्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। काफी व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं इसके नॉइस लेवल्स के बारे में, तो एलजी का जो ये एसी है नॉइस लेवल इसके काफी कम है। अभी फैन स्पीड फुल पे है तो हो सकता है थोड़ा बहुत नॉइस आपको आ रहा हो, लेकिन मीडियम स्पीड के ऊपर काफी कम नॉइस है। मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ अपनी, मीडियम स्पीड के ऊपर ये चल रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डिस्टर्बेंस आती होगी या नॉइस आती होगी। उसके बाद जो आउटडोर है, आउटडोर का साउंड या नॉइस भी काफ़ी कम है, कंप्रेसर काफ़ी कम नॉइस करता है। तो ऐसे में नॉइस लेवल के मामले में एलजी का ये जो एसी है ये ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और इस एसी में जो वॉटेज है आप देख सकते हो, अब 1760 के आसपास चल रही है और लगभग आधा यूनिट कंज्यूम होने वाला है। तो ये चीज़ आप देखो कि जब आप एसी को, किसी भी एसी को गर्मी में चलाओगे, दिन में चलाओगे, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा तब वो ज़्यादा ही बिजली खाएगा, क्योंकि उस टाइम वो रूम को ठंडा कर रहा है, लेकिन जो सूरज है या इन्वायरमेंट है वो हमारे रूम को फिर से गर्म कर रहा है। तो ऐसे में दोनों शक्तियाँ आपस में टकरा रही हैं। तो अब देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा इस एसी को इन्वायरमेंटल टेम्परेचर को बीट करने में। तो अभी जो यहाँ पर मैं रिमोट पे दिखाना चाहूँगा, जो टेम्परेचर आ रहा है वो अब 27 हो चुका है, रूम का टेम्परेचर जो ये रिमोट दिखाता है, और हमने जो डिज़ायर टेम्परेचर सेट किया है वो है 26। तो एक एक डिग्री करके कम हुआ है। और इस सब चीज़ों में टाइम देखो दोस्तों, यहाँ पर रिमोट पे आपको दिखेगा 20 मिनट हो गए हैं इस एसी को चलते हुए, और ये जो रिमोट के ऊपर रूम टेम्परेचर दिखाता है उसको 33 से 27 तक लाया है 20 मिनट में, क्योंकि इस एसी को सुबह से चलाया ही नहीं था मैंने। तो जो छत है या वॉल्स हैं वो बिल्कुल हीट है, बिल्कुल ही गर्म है। तो जब इसको चलाया तो अब इसको मतलब एकदम इनिशियल सब कुछ करना पड़ा। तो अब आप देख सकते हैं कि डिज़ायर टेम्परेचर इसके हिसाब से अचीव हो चुका है, इसीलिए जो लोड है वो कम हो गया है। आप देख सकते हैं अब 1330 के आसपास लोड चल रहा है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि कंप्रेसर ने अपनी स्पीड को कम कर लिया है, क्योंकि जो डिज़ायर टेम्परेचर है वो मीट हो चुका है। हालांकि रिमोट के ऊपर वो चीज़ आ रही है या नहीं आ रही है वो मैं आपको रिमोट पर ही दिखाता हूँ। तो ये है इसका रिमोट और इस पे देखते हैं 27 ही आ रहा है, बट जो एसी है उसने अपनी वोल्टेज को कम कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1300 वॉट के आसपास अब ये मशीन चल रही है, और जो इनपुट वोल्टेज है आप देख सकते हो रिवाइव हो गई है, 226 के आसपास आ गई है। जब 1850 वॉट का लोड चल रहा था तो वही 223 के आसपास आ गई थी। तो वोल्टेज जो है वो ड्रॉप जाती है जब लोड ज़्यादा पड़ता है। आप देख सकते हो अब 1300 पहले लोड चल रहा था और ज़्यादा कम हो रहा है, तो ग्रेजुअली अब ये कम होता चला जाएगा और ये अपनी उस स्पीड के ऊपर रुक जाएगा जितनी स्पीड से इस कमरे के अंदर कूलिंग चाहिए 26 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1260 के आसपास अभी लोड चल रहा है और 0.55 यूनिट कंज्यूम हो चुके हैं, यानी कि आधा यूनिट कंज्यूम हो चुका है, और जो अम्पेयर है वो 5.56 चल रहे हैं अभी। तो आपके सामने है सारी वर्किंग, 100% मोड के ऊपर भी जो पावर कंजम्पशन कंपनी बताती है उससे ज़्यादा चलता है एसी। 1500 वॉट की पावर कंजम्पशन बताई हुई है, इनके स्टिकर लगे हुए हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हो इस मॉडल की, लेकिन फिर भी आपने अपनी आंखों से देखा है कि ये एसी 1850 वॉट ले रहा था 100% वर्किंग पे भी, और जब मैं इसको हाइपर मोड पे चलाऊंगा तो पता नहीं कितनी वॉटेज ये लेगा। तो वो भी हम टेस्ट करेंगे आपके सामने, इस मीटर के ऊपर सारी रीडिंग्स आपको दिखाएंगे। बहरहाल इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं, 5.5 एम्पेयर ये मशीन ले रही है इस टाइम, और 1220-25 के आसपास लोड चल रहा है, डिज़ायर टेम्परेचर मीट हो चुका है। अब जब इस एसी को लगेगा कि रूम का जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा हो रहा है या फिर ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत है, तो दोबारा से कंप्रेसर अपनी स्पीड को तेज करेगा, फिर से लोड बढ़ेगा, और जब दोबारा से डिज़ायर टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा उसके बाद वो फिर से रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से ये अप डाउन चलता रहता है, लेकिन इस चीज़ का हमारे यूज़र को ज़्यादा पता नहीं लगता है, क्योंकि जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा होती रहती है, बट नॉन इन्वर्टर एसी की तरह ब्रेक नहीं लगता है बिल्कुल भी। जब ब्रेक लगता है तब हमें एक झटका सा लगता है, जैसे नॉन इन्वर्टर एसी का कभी कंप्रेसर ऑन होता है ऑफ होता है तो हमें पता लग जाता है उस चीज़ का, बट इन्वर्टर एसीज में ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल अनइंटरप्टेड कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। और ये आप देख लीजिए 1100
30 लोड अब इसका हो गया, जो 1230 चल रहा था वो 1130 हो गया है। सो बेसिकली इसी तरह से अब ये काम करता चला जाएगा क्योंकि 26 डिग्री पे हमने इसको सेट किया हुआ है और जो रूम का टेम्परेचर है इसके हिसाब से वो मेंटेन हो चुका है, इसीलिए अपने लोड को कम कर रहा है। सो यही वर्किंग होती है एक इन्वर्टर एसी की, और इसीलिए इन्वर्टर एसी बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं अगर आपको पावर सेविंग का बेनिफिट चाहिए। अगर आपका रूम शेड में है, ज़्यादा धूप वहाँ पर नहीं पड़ती है, तब तो आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो एक इन्वर्टर एसी से। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रात के समय एसी चलाना होता है तब तो आपको श्योरली इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए, क्योंकि रात के समय एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो कम होता है जिससे कंप्रेसर को ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा आपके रूम में कूलिंग मेंटेन करने के लिए और आपको पावर सेविंग का बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे में आप देख सकते हो ये एसी जो अभी 1850 वाट के ऊपर चल रहा था वो सिर्फ 1050 वाट के आसपास चल रहा है, तो 800 वाट का ड्रॉप आया है डिजायर्ड टेम्परेचर मीट होने के बाद। तो देखा आपने एलजी के इस एसी ने किस तरह से परफॉर्म किया 100% कैपेसिटी वाले मोड के ऊपर। तो इस वीडियो को अब यहीं विराम देते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा वॉटेज ड्रॉप जाएगी, क्योंकि जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, तो इतनी कूलिंग तो इसको अब थ्रो करनी ही पड़ेगी इस रूम के अंदर मेंटेन करने के लिए 26 टेम्परेचर। और अगर मैं टाइम की बात करूँ तो आप देख सकते हो लगभग 4 बजे हमने इस एसी को ऑन किया था और अभी 4:28 हो रहे हैं, यानी कि लगभग आधा घंटा हो गया है इस एसी को हमें यूज़ करते हुए, और आधे घंटे में इसने 0.65 यूनिट कंज्यूम करे हैं, क्योंकि उस आधे घंटे में से लगभग 15 मिनट या 16 मिनट ये एसी 1850 वॉट पे चला है। लेकिन अगर इस एसी को लॉन्ग टर्म के लिए मैं चलाऊंगा तो बहुत ही कम यूनिट ये कंज्यूम करेगा। एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ इस एसी की, जिसमें इस एसी को मैं 8 घंटे कंटिन्यू चलाऊंगा, तब देखेंगे कितनी पावर कंजम्पशन ये करता है। और एक वीडियो बनाने वाला हूँ जब इस एसी को मैं 24 घंटे चलाऊंगा, तब देखेंगे कि ये कितनी पावर कंज्यूम करता है, क्योंकि ये सारी वीडियोस की डिमांड मेरे व्यूअर्स करते रहते हैं। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, क्योंकि उसके लिए फिर हमें इसको रन करना पड़ेगा कंटिन्यू, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, बट वो वीडियोस भी आपको जल्द ही एम ब्लॉग चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो आप एम ब्लॉग चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसी वीडियोस हम बनाते हैं जो शायद ही कोई और बनाता हो। तो अपना प्यार यूं ही बनाकर रखिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।